हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज जो है ये CDP पैडागोजी से रिलेटेड जो है ये टॉप 20 MCQs लेके आई हूँ, क्योंकि बहुत सारी क्वेश्चंस हैं जो रिपीट होते रहते हैं, बट फिर भी हम जो हैं कर नहीं पाते हैं क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है। तो आज जो है वो मैं सारे क्वेश्चन जो हैं ये लेके आई हूँ। 20 क्वेश्चन हैं MCQs, और वीडियोज़ एंड तक देखें। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे HP TET की कर रहे हैं, KBS की कर रहे हैं, CTET की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिपीट होते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आपने मेरी CDP और पैडागोजी की वीडियो नहीं देखी है तो वो ज़रूर देख ले। बहुत सारे टॉपिक्स जो है मैंने कवर किए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच इंडिकेट द चेंज इन क्वालिटी और करेक्टर ऑफ ए चाइल्ड। कि इन ऑप्शंस में से कौन सा इंडिकेट करता है कि चेंज इन क्वालिटी और करेक्टर ऑफ ए चाइल्ड। तो मैं आपको बता दूं, जो ग्रोथ होती है वो मेनली चेंज इन साइज होती है, चेंज इन साइज। और एक और बात, जो ग्रोथ होती है वो क्वांटिटेटिव होती है, मतलब क्वांटिटी में होती है, और जो डेवलपमेंट होती है वो होती है हमारी क्वालिटी में। तो इस तरह क्वालिटी का पूछा हुआ है, तो डेवलपमेंट इज़ द करेक्ट आंसर। ये क्वालिटी में होती है, ये क्वांटिटी में, ये बात का ध्यान रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगल फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय। तो जो हमारी सिंगल फैक्टर थ्योरी है इंटेलिजेंस की, वो अल्फर्ड वीनर ने दी हुई है। अगर हम मल्टीपल फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस की बात करें तो वो दी है थॉर्नडाइक ने। तो थॉर्नडाइक ने हमारे पास मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दी हुई है, तो यहाँ पे मल्टी फैक्टर थ्योरी भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो फादर ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस जो है, ये है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, ये है हवार्ड गार्डनर। और जो बाइगोस्की हैं वो हैं हमारे सोशल डेवलपमेंट थ्योरी के फादर, सॉरी, इन्होंने जो है सोशल डेवलपमेंट थ्योरी दे रखी है। ब्रूनर जिन ने जो है वो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी दे रखी है, और जो पियाजे हैं उन्होंने थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट दे रखी है। तो ब्रूनर का पूछ सकते हैं मैक्सिमम, क्योंकि इन्होंने कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी दे रखी है। नेक्स्ट वन है, लर्निंग डिपेंड्स ऑन कोग्निटिव डेवलपमेंट। तो ऑप्शन है ऑलवेज, समटाइम, नेवर और इन कैलकुलेशन। कि लर्निंग जो है कोग्निटिव पर डेवलपमेंट करती है, ऑब्वियस ये हमेशा ही कोग्निटिव डेवलपमेंट पे जो है डिपेंड करती है लर्निंग। जब भी कोग्निटिव वर्ड का जो है यूज़ होता है तो वो माइंड से रिलेटेड ही होता है, क्रिएटिव थिंकिंग से रिलेटेड होता है, तो ये बात आप जरूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉय एज रेफर्स टू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम टाइम पूछा गया है। टॉय एज किसको बोलते हैं? तो अर्ली चाइल्डहुड को जो है हम टॉय एज बोलते हैं। जो टॉय एज होती है, जो अर्ली जो चाइल्डहुड है हमारा, वो चलता है 3 से 8 साल के बच्चों को, हम मतलब 3 से 8 साल तक के बच्चे जो होते हैं वो अर्ली चाइल्डहुड में होते हैं। और जो लेट चाइल्डहुड है वो चलता है हमारा 6 से 12 तक, और जो अडोलेसेंट स्टेज है वो चलती है 12 से 18। तो लेट चाइल्डहुड को जो है हम प्री अडोलेसेंट स्टेज भी बोल देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए टॉय एज, तो आपके ऑप्शन है अर्ली चाइल्डहुड, करेक्ट आंसर है। अगर आपसे पूछा जाए गैंग एज पूछा जाए, तो वो है लेट चाइल्डहुड या प्री अडोलेसेंट। तो लेट चाइल्डहुड को ही हम प्री अडोलेसेंट बोलते हैं, तो ये बात याद में रखना, गैंग एज जो है लेट चाइल्डहुड या प्री अडोलेसेंट स्टेज में होती है। नेक्स्ट है, अ चाइल्ड राइट्स विद हीज हर लेफ्ट एंड इज़ कम्फर्टेबल डूइंग थिंग्स विद इट, शी ही शुड बी। कि एक बच्चा जो है अपने लेफ्ट हैंड से लिखता है और वो उसी हाथ से कम्फर्टेबल है कोई भी काम करने के लिए, तो आप क्या करोगे, क्या करना चाहिए? तो ऑब्वियस है, उसको अलाउ हिज प्रेफरेंस, उसको कभी भी इंसिस्ट नहीं करना है, कभी भी डिस्कस नहीं करना है, मेडिकल हेल्प को नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो कम्फर्टेबल है उससे उसी हाथ से अच्छे करता है चीज़ें, तो उसको अलाउ हिज प्रेफरेंस। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइन ऑफ बींग गिफ्टेड। कि गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं तो उसकी जो है कौन सी जो क्वालिटी है वो नहीं है। तो क्यूरियोसिटी तो ऑब्वियस है, जिज्ञासा तो उसमें होती है। गिफ्टेड चाइल्ड जो होते हैं क्रिएटिव होते हैं, क्रिएटिविटी होती है। इंटरेस्ट इन एक्स्ट्रा रीडिंग, वो एक्स्ट्रा रीडिंग में भी इंटरेस्ट रखते हैं। हाँ, सी इज़ द करेक्ट आंसर है, कि वो पुअर रिलेशनशिप विद पीयर्स, यही उसका करेक्टरिस्टिक नहीं है। नेक्स्ट वन, द बेस्ट प्लेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट फॉर 12 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड।
कि 12 साल के बच्चों के लिए बेस्ट प्लेस सोशल डेवलपमेंट का क्या है? नेबरहुड है, आस पड़ोस है, फैमिली है, स्कूल है, तो प्लेग्राउंड है सबसे ज़्यादा, क्योंकि उसमें जो है उसकी सारी की सारी जैसे मोटर स्किल्स हैं वो सारी की सारी स्किल्स वो कर सकता है प्लेग्राउंड में। नेक्स्ट है, IQ स्कोर्स आर जनरली ब्लैंक और रिलेटेड विद एकेडमिक परफॉर्मेंस, हाईली हाईली रिलेटेड है IQ स्कोर जो है इसमें, जब आप एकेडमिक जो परफॉर्मेंस है उसमें दिखानी है। नेक्स्ट है, द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम टाइम रिपीट हुआ है, तो ये है बोथ लर्निंग बाय डूइंग और लर्निंग बाय लिविंग, लर्निंग बाय डूइंग और लर्निंग बाय लिविंग, ये इसका करेक्ट आंसर है। कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन आर। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक इज द कैपेसिटी टू अक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज, कि कौन सी कैपेसिटी जो है वो नॉलेज को अधिग्रहण करना है और फिर उसको अप्लाई करना है, तो वो है इंटेलिजेंस को बोलते हैं हम। नेक्स्ट है, साइन ऑफ ए क्रिएटिव चाइल्ड, जब क्रिएटिव चाइल्ड होता है तो उसका साइन क्या होता है, तो वो होता है क्रिएटिविटी, ऑब्वियस है क्रिएटिव होगा वो। नेक्स्ट है, द रॉ मटेरियल ऑफ थिंकिंग, थिंकिंग का रॉ मटेरियल कौन सा है, वो है सिंबल, जो सिंबल्स होते हैं वो उसका रॉ मटेरियल होते हैं थिंकिंग के। नेक्स्ट है, विच इज़ द यूनिट ऑफ हीरिडिटी, तो जीन जो है यूनिट है हीरिडिटी की। बहुत सारे क्वेश्चन जो है बच्चे जो है क्रोमोसोम पे टिक करके आते हैं, तो क्रोमोसोम जो है रॉन्ग आंसर है, जीन जो है वो हीरिडिटी की यूनिट है, जीन ही ट्रांसफर होती है। नो नेक्स्ट वन, नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए फाइन मोटर स्किल, तो जो फाइन मोटर स्किल्स होती है वो होती है जब आप जो है अपने हाथ से जो है काम करते हैं, तो वो उसको बोलते हैं फाइन मोटर। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल है राइटिंग, तो राइटिंग जो है एक एग्जाम्पल है फाइन मोटर स्किल का। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग, तो लर्निंग का प्रोडक्ट कौन सा नहीं है, ऑब्वियसली लर्निंग से स्किल, नॉलेज, फिजिकल स्ट्रक्चर, तो ये जो है मैच्यूरेशन जो है ये प्रोडक्ट नहीं है लर्निंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स आर फाउंड टू बी हैरेसिंग अनदर स्टूडेंट, व्हाट शुड बी योर रिएक्शन, कि आपने आप जो है आपको पता चलता है कि एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है, एक समूह है बच्चों का जो कि दूसरे बच्चे को जो है वो हैराश कर रहे हैं, तो आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए? फर्स्ट है पनिश द स्टूडेंट, बिल्कुल भी नहीं, जब आप पनिश करोगे किसी बच्चे को तो ऑब्वियस है वो बच्चे जो है और ज़्यादा भड़क जाएंगे कि तेरी वजह से जो है हमें पनिशमेंट मिली है, तो वो कभी भी हैराशिंग दूसरे बच्चे को करना बंद नहीं करेंगे। सेंड टू देयर पेरेंट्स, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो ऑब्वियस है डांटेंगे, उनको डांटेंगे और ज़्यादा जो है इसका वो हैराश करेंगे। नेक्स्ट है, काउंसिल द स्टूडेंट इंडिविजुअल, हाँ सी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि अगर आप जो है क्योंकि एज के अकॉर्डिंग जो है बच्चों को आप जो है डांट सकते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं अगर उनको डांटोगे तो वो डर जाते हैं, बट अगर एडोलेसेंट स्टेज है, प्री एडोलेसेंट स्टेज है, उसमें जो है बच्चे ये सोचते हैं कि अगर हमें किसी के सामने डांट रहे हैं तो हमें जो है उन वो बेइज्जती फील करते हैं, तो और भी ज़्यादा जो है वो रूड हो सकते हैं, तो ऑब्वियस है उनको जो है आप अच्छे से काउंसिल कीजिए, क्या प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ मीन बाय स्कीमा, तो ये वर्ड जो है वो प्याजे ने यूज़ किया था, प्याजे ने स्कीमा वर्ड यूज़ किया था, एक्चुअली में प्याजे स्कीमा है क्या, स्कीमा है ऑर्गेनाइज्ड पॉकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन लॉन्ग टर्म मेमोरी, कि हमारे दिमाग में ये एक इंफॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन है जो कि काफ़ी लंबे समय तक चलती है। फॉर एग्जाम्पल की तरह मैं आपको समझाती हूँ कि स्कीमा होते हैं, जैसे हम छोटे बच्चे को ये बोल देते हैं कि जब भी हम मान लीजिए गाय को देख रहे हैं, तो हम बोल देते हैं बच्चे को कि ये जो है जिसकी चार टांगे और एक पूंछ होती है वो गाय होती है, तो जब जो है बच्चा जो है घोड़े को देखता है तो उसको लगता है कि उसकी भी चार टांगे हैं और पूंछ है तो वो भी गाय है, तो वो होती है स्कीमा, जो हमारे माइंड में जो है बन चुके हैं, जो इंफॉर्मेशन के पॉकेट्स हैं, जो इंफॉर्मेशन स्टोर हो चुकी है माइंड को, माइंड में, उसको हम स्कीमा बोलते हैं। नेक्स्ट है,
हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पियाजे से रिलेटेड, ये दोनों क्वेश्चन पियाजे से रिलेटेड है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखें, आपको सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। असिमिलेशन अकोमोडेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो इसकी कितनी इन्होंने स्टेजेस दे रखे हैं कोग्निटिव डेवलपमेंट की, वो सारा कुछ बताया हुआ है। तो जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी जो है ये वर्ड पियाजे ने यूज़ किया था, और ये फादर भी जो है जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी के कहलाते हैं। नेक्स्ट है हाउ ए टीचर शुड बिहेव विद ए स्टूडेंट, कि एक टीचर को जो है स्टूडेंट के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। तो ऑब्वियस है उसका जो व्यवहार है वो एक फ्रेंडली होना चाहिए। तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स ये थे इसमें पैडागोजी से रिलेटेड और इंग्लिश मीडियम में है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम आप हिंदी में ही डालते हो। तो फ्रेंड्स मैं बहुत कंफ्यूज रहती हूँ, क्योंकि आधे बच्चे बोलते हैं हिंदी में डालो, कुछ बोलते हैं इंग्लिश में डालो। तो अब आगे से जो है दोनों मीडियम में डालने की कोशिश किया करूँगी। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर सपोर्ट, और इसी तरह जो है मुझे नए नए सुजेशन देते रहें, ताकि चैनल को भी और इम्प्रूव किया जा सके और बहुत सारे बच्चे जो हैं हमारे साथ जुड़ सकें। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।